देखिए जैसे मैं जैसा आपने कहा कि रेरा रेरा नहीं रहा, तेरा हो गया, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रेरा पास हुआ, बेसिकली एक पेज से रेरा की अहमियत नहीं बनती, एक पेज से रेरा के एक्ट सफिशियंट नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं रेरा के खिलाफ इसलिए हूं कि रेरा में सबसे पहले ब्रोकर्स की हालत को देखना चाहिए था उसको। ब्रोकर्स को भी देखो कि 3 साल से मार्केट इतनी डाउन है कि ब्रोकर को अपनी रोजी रोटी तक चलाने की नो बताई हुई है कि अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है। कुछ ब्रोकर्स तो रियल एस्टेट मार्केट को छोड़ चुके हैं क्योंकि इतनी मंदी है कि उसमें काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ब्रोकर्स जो मेरे जानने वाले मेरे नोन है वो सुसाइड तक कर चुके हैं, 2 लोग तो सुसाइड तक कर चुके हैं क्योंकि आज की डेट में इतनी मंदी है रियल एस्टेट में कि ब्रोकर सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो रियल एस्टेट ब्रोकर है वो लाइन छोड़कर छोले कुलचे या रेडी या आपका स्टॉल तक लगा के काम कर रहे हैं। उस केस में रेरा ने किस बेस पे ये जो फीस रखी है 2,50,000 रुपये की, मैं ये थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, मैंने पढ़ा है वो एक पेज से आप कैसे करते हो, उसमें लिखा हुआ है कि आपको सारी एक्सरसाइज करके बायर्स को फ्लैट दिलाना चाहिए। वो तो हम पहले भी करते थे, वो हम आज भी करते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग हुआ हो। जो हम 2,50,000 रुपये रेरा की फीस दे रहे हैं उसमें कहीं भी ब्रेकअप नहीं है कि 2,50,000 रुपये हम किस किस वे में दे रहे हैं, 5,000 किसके हैं, 10,000 किसके हैं, 20,000 किसके हैं। आपने लिख दिया 2,50,000 की ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा देना है, आप उसमें 25 लाख लिख देते, आप उसमें 50 लाख लिख देते, आज आपको लिखना था, लेकिन हमें ब्रेकअप तो दो। आप हमें उसमें ये समझाओ कि आप 2,50,000 रुपये किस बात के हमसे ले रहे हैं, जबकि सरकार कहती है कि बेरोजगारी हटाओ। आई थिंक 2,50,000 रुपये वाली जो स्कीम रेरन रखी है उससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। आपको ये करना चाहिए था कि आप एक बार ब्रोकर की एक कमेटी इकट्ठी करते, आप एक कमेटी बनाते, उस कमेटी में ब्रोकर्स को लेके आते, आप उनसे उनके व्यूज जानते कि आज ब्रोकर की हालत क्या है। सब ब्रोकर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। आप कुछ ब्रोकर तो बेचारे जो ऑफिस है उनके ऑफिस तक बंद हो गए हैं, वो रोड पे खड़े हो गए वहाँ पे माल बेच रहे हैं। उनकी एक बुकिंग होती है महीने की, यदि उनकी एक डील होती है उनको बेचारों को 20,000-30,000 मिलता है, उसमें अपना घर चलाए या सरकार की फीस जमा करे, वो कहाँ जाए। मेरा ये कहना है कि आप उसका ब्रेकअप बनाओ। दूसरी बात, ये फीस बिल्कुल भी जायज नहीं है, उल्टा आप ये करो कि ब्रोकर को एक प्लेटफॉर्म दो, आप उनको एक जगह खड़ा करो, उनको आप कुछ ऐसा दो कि वो भी ग्रो करे। आज तो ब्रोकर वैसे ही नीचे जा चुका है, आप देखोगे ब्रोकर सुसाइड तक कर रहे हैं, अपने काम चेंज कर रहे हैं, काम धंधा ढूंढ रहे हैं। आप उस केस में उनसे 2,50,000 रुपये मांग रहे हो, आप तो उनके बैंक अकाउंट तो जाकर देखो, उनके अकाउंट में 2 रुपये तक नहीं है, आप उनसे 2,50,000 रुपये की बात करते हो, तो ये तो बिल्कुल नाजायज है, ये बिल्कुल नाजायज है और ये मार है ब्रोकर के ऊपर। सरकार ये चाहते हैं कि ब्रोकर मरे, वो और ज्यादा सुसाइड करें, और ज्यादा मरे। जब तक मैं कहता हूँ कि जब तक 20-30 ब्रोकर सुसाइड नहीं करेंगे तब तक सरकार को ये समझ में नहीं आएगा कि ये फीस जायज है या नाजायज है। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि सब ब्रोकर भाई से कहना चाहता हूं, कोई भी इस ये फीस जमा ना करे, बिल्कुल जमा ना करे, और ना हम करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम फीस जमा नहीं करेंगे। हमें रेरा ने कुछ भी राइट्स नहीं दिए आज तक के लिए, हमें ना रेरा ने ये बोला है कि आपका कमीशन फंसता है बिल्डर के यहाँ पे तो उसके लिए क्या रूल है, कोई रूल नहीं है। आप रेरा ने हमें ये नहीं दिया कि आपकी जब आप मार्केट में काम करते हो आपके लिए क्या प्रॉफिट है, आप मार्केट में करते तो लाभ ही, लेकिन आपको कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं दिया कि जिसमें आप फीस जमा भी करो लेकिन आप उसके कुछ राइट्स भी ले लो, कुछ भी नहीं है। हम फीस नहीं देंगे क्योंकि हम फीस जमा करने के लायक ही नहीं है, हम अपना घर चलाए या फीस जमा करें हम फीस बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि बिना कमेटी के आपने एक पेज पे जो रेरा के रूल्स को बनाया है, ठीक है, उस पेज से कुछ भी कहीं भी वेरीफाई नहीं होता कि हम ये 2,50,000 रुपये फीस जायज है। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आप ब्रोकर को एक प्लेटफॉर्म दो, उसमें ब्रोकर को उल्टे बेनिफिट दो कि आप मार्केट में आओ, एक आप प्रोफेशनल तरीके से काम करो, हम आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं या हम आपको ये कोड प्रोवाइड कराते हैं, हम आपका एक कॉलेज खोलते हैं जिसमें हम आपको सब नॉलेज देंगे कि प्रॉपर्टी को कैसे बेचना चाहिए, बिल्डर से आपको बिल्डर कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको क्या नॉलेज रखनी चाहिए, आप उसके लिए इंस्टीट्यूट खोलो, आप सर्टिफिकेट, आप उनको कोई पैसे दे नहीं रहे हो, आप उल्टा उनसे उनकी छीन रहे हो, आप उनका रोजगार छीन रहे हो, आप 2,50,000 रुपये लेके उनका रोजगार छीन रहे हो, आप उनको बेरोजगार कर रहे हो, उनके पास पैसा देने के लिए है ही नहीं तो आप उनसे क्यों पैसा ले रहे हो, आप उनके बेनिफिट्स के लिए सोचो ना कि उनके नुकसान के लिए। दूसरी बात मैं बताऊं, ये सीधा मेरा तो मानना है कि रेरा एक्ट ब्रोकर के लिए सीधा ब्लैकमेलिंग है, सीधा ब्लैकमेल किया जा रहा है कि या तो आप काम छोड़ो या 2,50,000 रुपये दो। ये कोई भी सही बात नहीं है सरकार की, सरकार को सोचना चाहिए एक एक आदमी के लिए। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी देश में रहते हैं, तो हमें बेरोजगार क्यों किया जा रहा है।
हमें रोजगार से हमारा रोजगार क्यों छीना जा रहा है, हम 2.5 लाख रुपए वहां दे या अपने बच्चों की फीस दे, ये तो आप मार्केट को थोड़ा स्टेज पे लेके आओ, रियल इस्टेट को आप बढ़ोतरी दो, रियल इस्टेट को आप रियल इस्टेट मार्केट को बढ़ाओ, उसमें आप कुछ ऐसा लेके आओ कि रियल इस्टेट मार्केट अच्छी हो जाए। एक तो रियल इस्टेट मार्केट पिटी हुई है, ऊपर से आप 2.5 लाख रुपए ले रहे हो फीस, तो ये कहाँ की जायज बात है। आप, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हम इस लायक नहीं है कि हम 2,50,000 फीस दे सके, उसका रिन्यूअल करा सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कब अच्छी होगी। रियल इस्टेट मार्केट आज की डेट में बिल्कुल डाउन है, उस कंडीशन पर आपने ये फीस जो रखी है ये नाजायज है, हम ये नहीं दे सकते। दूसरा कि आपने, मैं कह रहा था आप फीस तो साइड कर दो, हम फीस देने की कगार पे नहीं है, हम ना इस लायक कि हम फीस जमा कर सके। दूसरा आप ब्रोकर्स को ये दो कि बिल्डर जब करप्ट होता है, ठीक है, उसमें बैस के पैसे मरते हैं, बैस के पैसे मरने के बाद बाद ब्रोकर भी तो कमीशन मरता है क्या, वो नहीं मरता, तो आप बिल्डर को इतनी ये सिकंजा क्यों नहीं कसते हैं? आप बिल्डर के ऊपर सिकंजा कसो, आप अथॉरिटी के ऊपर सिकंजा कसो। बिल्डर कैसे, अथॉरिटी कैसे किसी बिल्डर को परमिशन दे देती है कि आप प्रोजेक्ट बनाओ? क्या जो भी चीज़ें होती है अथॉरिटी नॉलेज में नहीं होती? जब बिल्डर कोई गलत काम करता है तो 100% अथॉरिटी नॉलेज में होता है, अथॉरिटी उसको क्यों होने देती है? जब किसी प्रोजेक्ट की NOC नहीं आनी होती, जब जब बिल्डर अथॉरिटी में कर्जमंद हो जाता है, 600 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ उसका ब्याज ही अथॉरिटी के लिए खड़ा होता है, तो क्या अथॉरिटी को उस टाइम समझ में नहीं आता कि बिल्डर किस हालत में होगा? आप फिर भी उसको परमिशन दिए जा रहे हो, आप फिर भी उसके उसका माल बिकने दिए जा रहे हो, आप उसी टाइम एक्शन क्यों लेते? आप क्यों ऐसे प्रोजेक्ट पास करते हो बिल्डर के लिए कि वो करप्ट हो जाए और वहाँ पर दिवालिया घोषित हो जाए या यहाँ से भाग जाए? सारे रूल क्या ब्रोकर्स के लिए ही है? मतलब आपने ऐसा बांध दिया ब्रोकर्स को कि बिल्डर के लिए आपने ऐसा कुछ भी नहीं रखा कि बिल्डर बन जाए कहीं भी, ऐसा काम ना करे कि वो उसका प्रोजेक्ट कल कैंसिल हो जाए, या ऐसा काम ना करे कि वो दिवालिया घोषित हो जाए, या ऐसा काम ना करे कि वो बायर्स को फ्लैट ही ना दे पाए, या ऐसा काम ना करे कि किसी ब्रोकर का पैसा ना रखे। आप उस पर नहीं सोच रहे हो, केवल आपने फीस ऐड कर दी। आप जब आपने फीस ऐड किया तो उसके आप कुछ बेनिफिट तो देते हो ना ब्रोकर्स को, तब तो हम सोचते हैं कि आपने यार फीस ऐड तो कर दी लेकिन इसमें बेनिफिट मिल रहा है, कुछ मिला ही नहीं। हम बिल्कुल भी फीस देने के फेवर में नहीं है, क्योंकि हम इस लायक है ही नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।